प्रिय विद्यार्थियों, जो एनसीईआरटी 2023-24 के लिए जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स में क्या कटौती हुई है ट्वेल्थ फिजिक्स के सिलेबस में, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करें जो नए 2023-24 के सिलेबस में एनसीईआरटी में टॉपिक्स है। तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है ट्वेल्थ की फिजिक्स की, उसमें जो कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं उनकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये जो सिलेबस है 2023-24 रेशनलाइज, जो कि नया सिलेबस दिया है एनसीईआरटी ने, इसमें चैप्टर फर्स्ट से में जो पुरानी बुक्स थी उसमें एक टॉपिक हुआ करता था प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, वो टॉपिक हटा दिया है। इसी तरह जो चैप्टर टू है, चैप्टर टू से आपके वान डे ग्राफ जनित्र वाला टॉपिक हटा दिया है। चैप्टर थ्री से आपके कार्बन रजिस्टेंस, जो कार्बन रजिस्टर था वो वाला टॉपिक हटा दिया है। कार्बन कोडिंग के द्वारा जो हम रजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे वो टॉपिक हटा दिया है। इसके अलावा प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन था वो टॉपिक भी हटा दिया है। इसके अलावा मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर जो पुरानी बुक्स में हुआ करते थे वो चैप्टर तीन से हटा दिए हैं। चैप्टर फोर की बात करें तो चैप्टर फोर से जो पुरानी बुक्स का टॉपिक था संयुक्त विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में गति, इसमें साइक्लोट्रॉन ये टॉपिक हटा दिया है। टोरॉइड वाला टॉपिक भी पूरा हटा दिया है। परिनालिका को रखा है, परिनालिका में केवल कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और डेरिवेशन पार्ट हटा दिया है। चैप्टर फाइव की बात करें तो चैप्टर फाइव से भूचुंबकत्व वाला टॉपिक हटा दिया है। इसके अलावा स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक वाला टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया है। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक वाला टॉपिक हटा दिया है चैप्टर फाइव से। चैप्टर सिक्स से आपके जो पुरानी बुक्स में टॉपिक हुआ करता था ऊर्जा दृष्टि, एक परिमाणात्मक अध्ययन और भंवर धाराएं, ये दोनों टॉपिक यहाँ से हटा दिए हैं। चैप्टर सेवन में एलसी दोलन वाला टॉपिक हटा दिया है। एलसी दोलन जो टॉपिक हुआ करता था वो हटा दिया है। बात करते हैं सेकेंड बुक की सेकेंड बुक से कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, ये देख सकते हो रेशनलाइज्ड सिलेबस 2023-24। तो एनसीईआरटी ने इसमें से जो टॉपिक्स हटाए हैं, चैप्टर नाइन जो कि ऑप्टिक्स का चैप्टर है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, इसमें से आपके सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाओं वाला टॉपिक था वो टॉपिक हटा दिया है। चैप्टर 10 से कोई टॉपिक नहीं हटाया है। चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 से आपके डेविसन एवं जर्मर का जो प्रयोग था वो डेविसन जर्मर प्रयोग हटा दिया है। चैप्टर 13 से अगर हम बात करें तो चैप्टर 13 से आपके रेडियो एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, इसमें जब हम बुक में देखेंगे 13.6 वाला रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक है, इसमें जो फॉर्मूला वगैरह था वो हटा दिया है। केवल कॉन्सेप्ट रखा है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसने इसको बताया, इसकी यूनिट्स क्या होती है, उसके बारे में बताया है। जो फॉर्मूला वाला पार्ट था रेडियो एक्टिविटी का वो हटा दिया है। इसके बाद जो 14 नंबर का चैप्टर है, 14 नंबर चैप्टर में से आपके पीएन संधि डायोड, विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड जो पुरानी बुक्स में हुआ करता था वो हटा दिया है। आंकिक इलेक्ट्रॉनिक तथा तर्क द्वार जो लॉजिक गेट वाला टॉपिक था वो भी हटा दिया है। तो दो टॉपिक 14 नंबर के चैप्टर में से हटाए हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है 2023-24 का, वो यहाँ हमने डिस्कस किया। इसी के अकॉर्डिंग हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें।